हे गाइस, वेलकम बैक स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। 166 शिक्षक और 10 प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीओ प्राथमिक शिक्षा ने यहाँ पर जारी किया आदेश और शिक्षक संघ ने फैसले को संगठन की जो है जीत बताकर यहाँ पर जो है बताया गया है कि पौड़ी जो आपका जनपद है वहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग में यहाँ पर सेवारत 176 जो शिक्षक है उनकी पदोन्नति का तोहफा यहाँ पर मिल चुका है। साथ में इसमें बताया गया है कि जो शिक्षक है इसमें 166 हैं और 10 प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, ठीक है। और वहीं यहाँ पर आपको देखते कि प्रदेश में 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी जो प्रमाण पत्र हैं स्कूल में ही बनेंगे। तो यहाँ पर देखते कि अब जो है उत्तराखंड में सभी सरकारी स्कूलों में जो है आपकी 10वीं 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो जरूरी प्रमाण पत्र होंगे वो स्कूल में बन जाएंगे। और सभी इंटर कॉलेज में जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है अपनों स्कूल अपनों प्रमाण जो योजना इसके तहत शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर बताया गया सीएम धामी की द्वारा की प्रक्रियाओं का जो है यहाँ पर सरलीकरण हमारी जो सरकार का जो है मुख्य उद्देश्य है और छात्रों को जो है इससे सुविधा होगी और यहाँ पर जो है उसके श्रम और यहाँ पर समय की बचत होगी और हम जो है अन्य सेवाओं का जो भी हम जो है इसी प्रकार जो है सरलीकरण करने वाले हैं, बताया गया सीएम के द्वारा। अब यहाँ पर जो है तहसील स्तर से सभी समिति करेंगे काम और ये काम जो है जिला स्तर पर करने वाले हैं। और तबादले के पात्र अध्यापकों का ब्यौरा जारी, तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग में अनिवार्य तबादले श्रेणी में यहाँ पर जो है आ रही है प्रवक्ता और एलटी कैडर के शिक्षकों की सूची यहाँ पर सोमवार को जारी हो चुकी है। और इसके लिए यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस सूची में जो है 55 जो वर्ष से अधिक आयु वाले और यहाँ पर जो बीमार शिक्षक है उनको सम्मिलित यहाँ पर कर दिया गया है जो कि नियमानुसार तबादले के दायरे में नहीं आते बताया गया है। बाकी सबकी लिस्ट हो चुकी जारी। और 9600 जो यहाँ पर शिक्षक हैं 10 साल से ज़्यादा वक्त से हम जो है दुर्गम सुगम में जो है तैनात बताए जा रहे हैं। प्रवक्ता कैडर में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में जो है तबादले को लेकर बताया गया कि 898 शिक्षक पात्र पाए गए हैं जबकि दुर्गम से सुगम में जो है तबादले को लेकर 25 से 23 यहाँ पर शिक्षक पात्र पाए गए हैं। सूची में खामी तो सूची में खामी भी मिली है, सूची में कुछ लिपिक खामियां भी हैं जिसमें बताया गया है कि दुर्गम से सुगम में जो है अनिवार्य श्रेणी की जो ट्रांसफर है एक शिक्षक की यहाँ पर जो 38 वर्ष से 6 महीने की जो है दुर्गम क्षेत्र की जो है सेवा दर्शाई गई है जो कि खामी बताई गई है। साथ ही यहाँ पर जो है बेसिक जूनियर शिक्षक भी यहाँ पर जो है करेंगे आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला कैडर में यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक और जूनियर शिक्षक के लिए यहाँ पर तबादला जो है आवेदन का वक्त तय कर दिया गया है और बेसिक शिक्षा जो जूनियर शिक्षक हैं और कर्मचारी अनुरोध के आधार पर जो है 20 मई तक जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बात करें 15% की जो है सीमा से छूट शिक्षकों का भी होगा तबादला। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 10 साल से अधिक समय से दुर्गम सुगम क्षेत्र में यहाँ जो है तैनात जो शिक्षक है उनको तबादले का फॉर्म तय करते हुए निर्देश जारी कर रहे हैं। और इसके लिए बेसिक है, इनके प्राइवेट लेवल है, एलटी लेवल है, प्रवक्ता लेवल है, इन कैडरों में इस समय जो है सीमा में आ रही शिक्षकों की जो है अलग अलग जो है लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर जो है अटैच करने का आश्वासन माने शिक्षक, तो यहाँ पर देखते हैं कालसी जो खंड शिक्षा अधिकारी उनके विरोध में जो है शिक्षकों ने किया सीओ कार्यालय का घेराव और यहाँ पर जो है अटैच करने के बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि लोक आयुक्त की जो है नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब, तो यहाँ पर हाईकोर्ट सख्त है, जवाब पेश करने के लिए सिर्फ आज का समय दिया गया, तो आज का समय दिया गया है यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर ACMO और यहाँ पर लेखाकार घूस के आरोप में गिरफ्तार, तो यहाँ पर जो है कलंक के खिलाफ तो यहाँ पर देख सकते घूस करते हुए विजिलेंस टीम ने यहाँ पर सोमवार को रुद्रपुर में जो ACMO कार्यालय है यहाँ पर जो है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और लेखाकार को जो है रिश्वत लेते आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं यहाँ पर देख सकते शिक्षकों का जो है CO कार्यालय का प्रदर्शन करना। और वही बात यहाँ पर 10 साल से जमे शिक्षकों के तबादले की तैयारी, तो 10 साल से जो शिक्षक अभी तक तबादले नहीं हो रखे उनकी तैयारी पूरी कर दी गई है और शिक्षा मंत्री ने जो है प्रस्ताव तैयार कर जो शासन को भेजने के निर्देश जारी करे हैं। और साथ में रिक्त पदों को भरने की भी यहाँ पर निर्देश, तो रिक्त जितने पद हैं उन सभी पद भरने के निर्देश जारी करे हैं। कहा है कि यहाँ पर जो आपके उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा जो आपके विद्यालय शिक्षा है इन विभागों में जितने पद रिक्त हैं उन संवर्ग में जो है यहाँ पर पदों की सूची भी तैयार करने के साथ जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही, तो नई भर्ती प्रक्रिया आपकी रिक्त पदों पर जो आपकी चिकित्सा है उच्च शिक्षा में है और स्वास्थ्य में है और यहाँ पर जो है विद्यालय शिक्षा की एल टी या प्रवक्ता में है इनकी पदों की भर्ती के निर्देश करने के आदेश यहाँ पर शिक्षा मंत्री जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर स्कूलों में जो है बनेंगे जाति निवास आय प्रमाण पत्र, स्कूलों में ही आपके लिए अब यहाँ पर
जाति है, निवास है, आय विवरण होते हैं, वो स्कूल में ही बनने को मिल जाएंगे। और यह कार्रवाई जो है 2 महीने के भीतर शुरू होनी है, तो यहाँ पर 2 महीने के भीतर है। इसके लिए यहाँ बताया गया है कि डीएम जो है अपने जिले की जो है साप्ताहिक सूचना शासन को भी यहाँ जो है उपलब्ध कराएं, इस तरह यहाँ पर बात कही गई है। और साथ में तबादले के जो अपात्र शिक्षक हैं उनका ब्यौरा भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है। और वहीं उत्तराखंड की मेडिकल जो डेंटल कॉलेज हैं यहाँ पर अब जो है केंद्रीय काउंसिलिंग में दाखिले में होंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो है केंद्रीय काउंसिलिंग से यहाँ पर दाखिले करने की बात कही गई है। इसमें राज्य कोटे की यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपके MCCC के माध्यम से भरी जाएंगी। इसके लिए बताया गया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज में इस सत्र जो है MBBS BDS के सभी दाखिले जो है केंद्रीय काउंसिलिंग से होंगे। इसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है अतुल गोयल, इनके द्वारा बताया गया इस संबंध में चिट्ठी आई हुई है, आदेश हो चुके हैं जारी। और अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में MBBS की सीटें कहाँ वहाँ पर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में है, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 150-150 पोस्ट है, इसमें मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर जो है CGRR मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज में है, और गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर जो है इतनी सीटें रहनी है। वर्तमान में ये काउंसलिंग जो है कराती हैं MCCC, तो ये काउंसलिंग कराती, इस तरह का यहाँ पर देखते हैं। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ जो है TSDC यहाँ पर लिमिटेड में पोस्ट निकाली 77 पदों के लिए। इसके लिए यहाँ पर सीनियर से जो यहाँ पर इंजीनियर की पद है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 जून का समय दिया गया है, 600 रुपये शुल्क वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 21 पोस्ट निकाली गई है, मोटर ड्राइवर कम जो है मैकेनिकल की पोस्ट हैं। इसके लिए 18 से लेके आप उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। और इसमें यहाँ पर आपका चयन प्रयोगात्मक परीक्षा है और सकुशल परीक्षण के द्वारा होना है। आवेदन की अंतिम तिथि आपका 31 मई है, ऑफलाइन तरीके से वेबसाइट आप जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर एम्स में कल्याण का जो कल्याणी है यहाँ पर निकाली गई है 153 पदों की पोस्ट और सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 13 मई तक का समय दिया गया है, 1000 रुपया शुल्क रहेगा और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है बीज विज्ञान प्रौद्योगिकी संभाग यहाँ पर आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में निकाली गई पोस्ट है। और भारतीय संग्रहालय कोलकाता यहाँ पर भी पोस्ट है। और भारतीय अखिल भारतीय आयुर्वेदिक जो संस्थान है यहाँ पर भी 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं, उन पर भी पोस्ट निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर TGD PGD पदों के लिए जो पुलिस मॉडर्न स्कूल्स हैं यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट है BEd BBEd वाले और यहाँ पर DLED वाले, तो आप यहाँ पर देख सकते जो PGD में है आपके सब्जेक्ट वार निकली हैं। इसमें एक एक पोस्ट आपको रहेंगी, TGD इंग्लिश में निकली है, PT में निकली है, PRT में निकली है, SST की स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट निकाली गई है, PRT इंग्लिश की है, PRT आपका यहाँ पर कंप्यूटर का भी है और NEET का है, 2 पोस्ट ने लैब असिस्टेंट का भी है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको जो फॉर्म मिलेगा वो आपका यहाँ पर PSC वाहिनी जो 40वीं बटालियन है आपका हरिद्वार, यहीं आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं से आप अपना बायोडाटा शेयर कर सकते हैं।